अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं, कैसे सेहत मिजाज हैं हमारे YouTube चैनल पे। वेलकम वेलकम, हमारा नया नया YouTube चैनल है जनाब, और नए नए सब्सक्राइब हैं, सब्सक्राइब नए नए और नया नया वेलकम। ठीक है YouTube, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जनाब YouTube आप नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जाहिर है चैनल भी नवा नवा है और नवे नवे सब्सक्राइब हैं। आज हम बनाने लगे हैं टिंडे, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ सब्ज़ी बना लूँ, साथ साथ आपसे बात कर ली जाए। तो और सेहत मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है, और सब खैर खैरियत। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और अपने अपने घरों में जहाँ जो भी जहाँ भी हैं अल्लाह पाक हंसते वसते ते खुश रहो। तो जनाब आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी पे, यानी बुराई पे। ठीक है, बुराई बुराई कहीं भी नहीं मतलब होती है, बुराई जो होती है ना, बुराई वो इंसान के अपने अंदर होती है। अगर इंसान के अंदर अच्छाई है ना तो उसको सब अच्छे लगेंगे, हर तरफ उसे मतलब अच्छाई नज़र आएगी। और जो कुछ उस इंसान के अंदर है ना, अगर मतलब ये कि अगर इंसान अच्छा इंसान है ना, इंसान खुद अच्छा है ना, तो उसे सब कुछ अच्छा लगे, उसकी सोच जो है ना पॉजिटिव होगी, उसको हर तरफ पॉजिटिव ही नज़र आएगा। अगर इंसान खुद बजाते बुरा है ना और उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो फिर उसको हर इंसान में बुराई नज़र आएगी, उसे हर इंसान में क्या हर जगह ही बुराई नज़र आएगी, क्योंकि वो ये रियलाइज़ करवाएगा कि जैसे मैं हूँ ऐसे सामने वाला है। ठीक बोला ना मैंने? तो इसलिए सबसे पहले इंसान का खुद अच्छा होना ज़रूरी है, कि इंसान अपने अंदर झांके कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि जब इंसान अपनी इस्लाह करेगा ना तो इंशाल्लाह उस सारे सही लगेंगे, जब खुद गलत होगा तो सारे गलत लगेंगे। इसलिए सबसे पहले ज़माने को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। जब हम अपनी इस्लाह खुद करेंगे ना, हम अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हमारे अंदर क्या है, कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। और यकीन माने हमें अपने अंदर जो है ना अच्छाई तो मेरे ख्याल में कमी नज़र आएगी, बुराई बुराई नज़र आएगी, और उस इंसान को फिर जनाब फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो दूसरों की बुराइयों की तरफ उंगलियां उठाता फिरे, क्योंकि अपना आप जब नज़र आ जाता है ना, अपना आईना खुद देखना चाहिए ना कि हम क्या है, बजाय ये कि दूसरों को आईना दिखाते फिरो आपके तुम में ये है तो तुम में वो है तो तुम में ऐसा है तुम वैसे हो, फलां ऐसा है फलां वैसा है। वो भाई तू अपने विच ते पहले वड़ के वेख, कहते हैं ना जग जग नू तू बुरा कहे पहले अपने विच ते वड़ के वेख कि तेरे अंदर की है। तो इसलिए अब मिसाल मैंने आपको दे दी है, अब जाहिर है मुझे इतनी सही मिसालें नहीं देनी आती, अब जैसे भी हैं, बहरहाल इसका मतलब यही है कि सारे जग को आप बुरा कहो तो अपने अंदर तो पहले घुस के देखो कि अपने अंदर क्या मामलात हैं। सारी दुनिया पहली ही होती भाई, अपने अंदर भी उभर के देखो, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें अपना आप सही करने की, जब हम सही होंगे ना तो इंशाल्लाह सब सही होगा। तो ये कोई वो नहीं है कि आप जब अच्छे अखलाक से किसी के साथ पेश आओगे तो इंशाल्लाह ताला सामने वाला भी आपके साथ अच्छा ही पेश आएगा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कर रही हूँ कि इंसान अगर आप हो ना किसी के साथ मतलब चीख चिल्ला के बात करोगे, गाली गलौज दे के बात करोगे, तो अगला आपको फूल के हार नहीं पहनाएगा, अगला भी आपको उससे ज़्यादा चटकदार लहजे से बात करेगा। वो कहते हैं ना एक तू मैनू गाल कढ़ी मैं तेनू चार सुनावांगा, ये वो वाला मामला है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि साढ़े अंदर की चलन चराग ने अपने भी तो चलन चराग सीधे करने की ज़रूरत है। लेन जी आपसे बातें करते करते मेरे टीडे हो गए हैं, सारे कटिंग कर ली है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन सारे। अब इनको मैं बनाऊँगी भून के विदाउट पानी के, मैं दम पे बनाती हूँ और बड़े टेस्टी बनते हैं,
और इनको सिर्फ मैं टमाटर और प्याज के अंदर बनाऊंगी और सही ये जो है ना बनेंगे भुने हुए। तो ये हमारे टिंडे हमने इधर रख दिए। अब इसमें ये प्याज मैं छीलूँ और ठीक है, अब फिर मैं ये प्याज छील के अपनी हांडी जो है वो अपनी हंडिया चढ़ाऊँ। और आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। और जाते जाते चैनल को ये नहीं मैं कहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और भाई मैं भी नवी हाँ तो तुसी भी नवे हो, इस वास्ते जरा ना चैनल तुसी सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि पहली वीडियो मेरी देख लो तो पता लग जाएगा कि यह चैनल किस वास्ते खोलिया। थोड़ी तो अशद सपोर्ट की जरूरत है। हंसते वसते रहो तो हमेशा खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।